नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं 24। गौ माता की रक्षा हेतु आज प्रेस वार्ता रखी गई है। इसकी समस्त जानकारी इस प्रकार है। देखिए इसके मालवीय की यह रिपोर्ट। गाय सड़क पर आत्महत्या करने को मजबूर है। हर सड़क पर गौ माता चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रही है। आए दिन सड़कों पर गौ माता की हत्या देखकर जनता द्रवित है। दुर्घटनाओं में जनहानि भी आम बात हो गई है। गौ माता पीड़ित, जनता दुखी, संत महात्मा लाचार, किंतु वर्तमान सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ववर्ती सरकार ने सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता के साथ गौशाला निर्माण का कार्य शुरू किया था। प्रदेश में हजारों गौशाला का निर्माण होना था। सैकड़ों जगह तो काम भी शुरू हो गया था, पर वर्तमान सरकार ने आते ही गौशाला निर्माण के सारे काम रोक दिए। जो पुरानी गौशालाएं हैं उनमें भी सरकार के द्वारा चारा पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, न ही वर्तमान सरकार का उस ओर कुछ ध्यान है। अतः गौमाता के इसी दुर्दशा देखते हुए शुद्धदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश अपने प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी के नेतृत्व में गौमाता रक्षणार्थ जन जागरण के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में गौमाता बचाओ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यात्रा 26 सितंबर 2023 को परम पावन धाम चित्रकूट से हजारों संत महात्माओं एवं सेवकों के साथ प्रारंभ होगी। भजन कीर्तन, सत्संग, जन जागरण करते हुए मध्य प्रदेश के लगभग 40 जिले से होते हुए 10 अक्टूबर 2023 को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन संपन्न होगी। उज्जैन महाकाल बाबा पहुंचेगी 10 अक्टूबर। यह यात्रा पूर्ण धार्मिक रहेगी और इसमें गौ माता के प्रति जो अत्याधिक गौ माता की चीख चीख करके और चिल्ला रही हैं रास्ते में, पूरी मध्य प्रदेश में गौ माता हजारों संख्या में मर रही हैं, इसको देख करके एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता को अपना घर नहीं मिल पा रहा है और वर्तमान सरकार गौ माता के प्रति उपेक्षित है, गौ के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए और पूर्व में जो सरकार थी, जो सरकार ने गौ माता गौशालाएँ बहुत सारी खोली थी और उनमें आज तक न चारा दिया जा रहा है, न गौशाला को आगे बढ़ाया जा, सब गौशालाएं ठप पड़ी हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण करके गौ माता बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे सरकार के कान में जूं तो निगे कि गौ माता के प्रति सभी योजनाएं लागू हैं, पर जो जो हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, गौ माता के प्रति उदासीनता का जो माहौल है वो वर्तमान सरकार दिखा रही है, उसको लेकर के हम सभी संत समाज हजारों की संख्या में निकल रहे हैं गौ माता बचाओ यात्रा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।